आम आदमी ही परेशान है आम आदमी से। मैं ना देश की बात करूंगा ना दिल्ली सरकार की बात करूंगा, सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा। सभापुर गांव का बच्चा है प्रवीण जी, सोनिया बिहार का भाई है प्रवीण जी। आज एमसीडी चुनाव के दौरान ही वो कूड़े के पहाड़ क्यों दिखाई दिए? मेरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, हाथ जोड़ के जो काम हो जाते थे आज वो पैसे देकर काम हो रहे हैं। आज हर पब्लिक परेशान है। कांग्रेस की दिल्ली है चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित फिर बनाएगी। क्या दिल्ली सरकार को वो 7 सालों में वो कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई दिए थे? इस क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद आदरणीय सुषमा मिश्रा जी, ये तीनों एक ही पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आप क्षेत्र में आप अगर जाएंगे आपको नाली टूटी मिलेगी, सड़कें गड्ढे हैं, सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। छोटे छोटे 25 गज के मकान में, 50 गज के मकान में लोग बाग यहाँ रह रहे हैं और वो अपना कोई भी मकान बनाए सबसे पहले पुलिस आ जाती है, लैंडर माफिया आ जाते हैं, उन पे से हजारों की उसमें पैसे लेते हैं, जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है उस बेस पे लड़ रही है कि यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ओके होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समता संदेश टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनिया बिहार में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार जी, जो कि सभापुर वार्ड से इनकी आज टिकट कंफर्म हुई है। तो क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने हैं चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर तो बहुत सी चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में। पिछले 15 सालों से जो बीजेपी शासित एमसीडी रही है उसमें भ्रष्टाचार से लेकर सारी चीज़ें हुई हैं, और इस क्षेत्र में भी ये दुर्भाग्य रहा है कि 15 सालों तक जो पार्षदा रही हैं और बीजेपी शासित रही हैं, उन्हें सफाई व्यवस्था और किसी जो नालियां हैं जो पानी भर रहे हैं, लोग आपस में यहाँ चल नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्लस ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, मकान बनता है, लेंटर माफिया हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि आज तक गरीब लोग अपना मकान तक नहीं बना पाता, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमें इनको आगे देखना। तो अच्छा, लगातार चुनावी मैदान में जो है आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर उतरी है इस बार, पंजाब के बाद जो चुनाव जीते हैं जिस तरीके से पंजाब में, अब दिल्ली में भी उनका जो मजबूती से इरादा है, तो क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस का आना तय है? बिल्कुल तय है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसमें ये नहीं कि पंजाब में अगर आम आदमी चुनाव जीत चुकी है तो दिल्ली में भी उनका वो जनाधार है। मैं देखता हूँ, आपको भी ये पता होगा कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आप किसी को फ्री दे रहे हैं, किसी फ्री बिजली, आज आप देखिए केजरीवाल जी की वो नीतियों को देखें जो दिल्ली में उन्होंने फ्री बिजली करी थी, मैं उस पर बात करना चाहूँगा, वो आज चुनिंदा लोगों को क्यों दी जा रही है? अक्टूबर में उन्होंने कहा था उनको ही मिलेगी जो उनको रजिस्टर करेगा, क्यों? टैक्स पेयर तो पूरी दिल्ली के लोग हैं, क्यों ना पूरी दिल्ली को दी जाए? क्यों अपनी बातों से वो पलटते हैं? तो पलटना अब गुजरात में उनको दिख जाएगा कुछ दिनों बाद भी, कि हर फ्री चीज़ के पीछे और बात को पलटना। अब देखो, जनता समझ चुकी है उनके बारे में जान चुकी है कि कितनी सच्चाई के साथ वो रहते हैं। और एमसीडी चुनाव एक छोटा चुनाव होता है, एक प्रत्याशी के प्रति लगाव होता है लोगों का, लोगों ने बड़ा लगाव दिखाया मुझे कि हाँ, एक लोकल है, यहाँ के सभापुर वार्ड में रहने वाला है, अपना बच्चा है, तो उसको जरूर लगा के और जरूर विजयी बनाएंगे। अच्छा, सभापुर वार्ड से जैसे आप बात की आपने कि आप सभापुर में रहते हैं जी, तो वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी से एक जो टिकट जिनको मिली है, चुनावी टिकट उतरे हैं मैदान में, वो उनको तो पंचायत में बिठा कर टिकट मिले हुए हैं। देखिए, भारत में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये लोकतंत्र जो बनाया है, हर किसी को एक अधिकार है अपने समर्थन को दिखाने का, चुनाव लड़ने का और जीत के आने का। पंचायत होना वाजिब है, घर में होती है पंचायत, सबों के होती हैं, सब एक राय ली जाती है पंचायतों में और डिसीजन तो एक चुनाव के माध्यम से। किससे देख रहे हैं आप अपनी चुनाव को लेकर टक्कर, किससे आपको लग रही है अपनी की है कुछ? देखिए, टक्कर का बात ये होती है जो आप जिस लगाव से काम करेंगे। हम पिछले 40 सालों से, हमारे पिताजी पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र की सेवा निस्वार्थ की है उन्होंने, और आगे भी वो इस क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है, उनका पूरा आशीर्वाद है लोगों में, पूरी उनकी वो है कि आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जो पुत्र हैं वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उनका पूरा प्यार मुझे मिल रहा है। जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार मेरा
मुझे मिल रहा है उन सभी से। तो पूरी उम्मीद के साथ उतरे आपकी जीत के रहेंगे यहाँ से? बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ। क्या कुछ करेंगे जनता के लिए अगर आपको उम्मीदवार यहाँ से मतलब चुनकर लाती जनता तो सोनी बिहार के लिए आप जो सभापुर वार्ड से? देखिए सबसे पहले जो निगम चुनाव होता है हमें ये निगम के जो अधिकार होते हैं निगम जो एक काउंसलर होता है हम सिर्फ उस मुद्दों पर बात करेंगे। मैं ना देश की बात करूंगा ना दिल्ली सरकार की बात करूंगा सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा जो हम निगम जीतने के बाद जो हम करेंगे। निगम का एक काम होता है सफाई व्यवस्था। अगर आप सफाई व्यवस्था पे ध्यान देंगे तो 90% जो बाकी तकलीफें हैं जैसे डेंगू फैलना है जैसे और बीमारियां फैलती हैं प्लस यहाँ पे फीवर इतना होता है फीवर इस वजह से होता है क्योंकि गंदगी नालियों की बाहर निकल रही होती है। आज यहाँ पे एक आम एक मिडिल क्लास लोग रहते हैं हम लोग सब लोग इतनी मजबूरी से मकान बनाते हैं इतनी पैसे कमा के मकान बनाते हैं डेली वहाँ पे रोड चलने के लिए नहीं होती वो भर जाते हैं उनके घरों में पानी आ जाता है। सफाई व्यवस्था हम सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे मकसद से है उसको हम रखेंगे। घर घर कूड़े की गाड़ियाँ जानी चाहिए निरंतर जितने भी जो डेंगू है इनमें अपना फॉगिंग होनी चाहिए घर घर निरंतर जाने चाहिए हर गली में जाना चाहिए। प्लस दूसरा जो एमसीडी के जो लोग हैं जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है हम उसको बिल्कुल रोकेंगे। सफाई व्यवस्था की बात तो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली के तमाम कूड़े दिखा बहुत अच्छा आपने ये पूछा सफाई व्यवस्था की जो बात कर रही है दिल्ली सरकार क्या दिल्ली सरकार को आप मैं आपसे पूछना चाहूँगा 7 साल हो गए क्या दिल्ली सरकार को वो 7 सालों में वो कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाई दिए थे आप बताएं मुझे आज एमसीडी चुनाव के दौरान ही वो कूड़े के पहाड़ क्यों दिखाई दिए क्या उठा के अभी रख दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी की पार्टी के मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सॉल्यूशन है। देखो किसी को कहना बहुत आसान होता है मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मुझे एक चीज़ सिंपल सी चीज़ मुझे बताएं उन कूड़ों के पहाड़ का सॉल्यूशन बताएं। केजरीवाल जी अगर ये कह दें कूड़े के पहाड़ हम हटाएंगे क्या कूड़े के पहाड़ हरियाणा में लग देंगे क्या कूड़े के पहाड़ निकाल के हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ रख देंगे नहीं रखा जाएगा उसका एक सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बताएं। आपका क्या नाम? मोहित चौधरी। तो क्या लगता है इन चुनावों को लेकर कि कांग्रेस की जो टिकट यहाँ से है सभापुर बोर्ड से टक्कर दिख गया पूछा? बिल्कुल कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी क्योंकि 15 साल से बीजेपी दिल्ली में राज कर रही है और उसने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है ठीक है। और एक निगम का चुनाव एक छोटा चुनाव है यहाँ छोटी क्लास तत्वे के गरीब आदमी रहता है गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए कि एक सही वहाँ रहन सहन की व्यवस्था हो नालियाँ सही हो कूड़ा ना हो और एक छोटे छोटे 25 गज के मकान में 50 गज के मकान में लोग बाग यहाँ रह रहे हैं और वो अपना कोई भी मकान बनाए सबसे पहले पुलिस आ जाती है लैंडर माफिया आ जाते हैं उन पे से हजारों की उसमें पैसे लेते हैं जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है उस बेस पे लड़ रही है कि यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ओके होगी भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोग बाग एक अच्छी उम्मीद के साथ कांग्रेस को भरेंगे। आपके क्या नाम है? चुनाव का मतलब चुनाव होता है हम संघर्ष करेंगे मेहनत करेंगे अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। तो समस्याएं जो हैं सोनी बिहार क्षेत्र के अंदर समस्याएं तो रहती हैं ये लेकिन जितनी मेहनत करेंगे सफल होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा प्रवीण गुप्ता नाम है। इस क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद आदरणीय सुषमा मिश्रा जी ये तीनों एक ही पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आप क्षेत्र में आप जाकर जाएंगे आपको नाली टूटी मिलेगी सड़कें गड्ढे हैं सड़कें गड्ढों से भरी हुई है कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है इनकी। कांग्रेस इस मजबूती से उतर रही है जीत की मजबूती से अभी से थोड़ी ना है कि 4-5 साल से हो तो ऐसे 15 साल देख रहे हैं आप पीछे जाइए ना कि कितने सालों से भाजपा तीन बार भाजपा का एमसीडी निगम रही यहीं पे अन्नपूर्णा मिश्रा भी रही लेकिन आज वही हाल है। क्षेत्र को अगर सुधारना है कांग्रेस पार्टी भाई प्रवीण के द्वारा ये क्षेत्र में साफ सुथरा रहेगा। तो लगता है कि मतलब जो गड्ढे हैं 15 साल पुराने गड्ढे वो प्रवीण जी के बाद ख़त्म हो जाएंगे। देखो कांग्रेस काम पे भरोसा करती है जुमलों बाजों पे नहीं भरोसा करती है।
कांग्रेस का मुद्दा होता है कि लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। ये शीला दीक्षित की दिल्ली बनाई हुई है, ये तो जुमलेबाजी और ये झूठ झपाट केजरीवाल जी ने कोई इनका कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की दिल्ली है, चमकती दिल्ली शीला दीक्षित फिर बनाएगी। तो आम आदमी पार्टी तो बोली सफाई करेंगे, तो क्या लगता है यार? फिर अभी बड़े भाई ने, प्रवीण जी ने क्या बताया आपको, कूड़े का पाल अभी आया क्या? कब से कूड़े का पाल, 7 साल की सरकार हो गई, कब कूड़ा, आज ध्यान आ रहा है इनको? आप बताइए, कूड़ा आज ध्यान आ रहा है इनको? 7 साल से सरकार हो गई। नवीन कुमार, तो सोनी विहार से जो अभी यहाँ पर मौजूद है, सब आपको वार्ड है, ये सोनी विहार तक खेत यहाँ पर लगा पड़ा, तो जो समस्या यहाँ पर दिखाई देती है लगातार, पूरा जो वार्ड है पूरी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो कैसे देखते हैं इन समस्याओं को आप चुनाव के मैदान में? समस्याओं पर हर बार मुद्दा समस्याओं पर ही चुनाव लड़ा जाता है और समस्याओं से ही जीता जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करा जाता। सबसे बड़ी समस्या है ये, ठीक है? इस समस्या को अगर गंभीरता से सोचें, पहले तो मैं एक टाइटल याद दिलाना चाहूँगा केजरीवाल जी का, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। और अगर हम पलट के देखें कुछ ही सालों में, ज़्यादा समय नहीं कहता मैं आपसे, इस टाइम सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है? जिस चीज़ के जैसे काम हो जाते थे, मेरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, हाथ जोड़ के जो काम हो जाते थे, आज वो पैसे देकर काम हो रहे हैं। आज हर पब्लिक परेशान है। आम आदमी पार्टी आम सरकार के लिए बनी थी, इसी मुद्दे को लेके इन्होंने गवर्नमेंट बना ली, आज राज भी कर रहे हैं, लेकिन आज आम आदमी ही परेशान है आम आदमी से। अच्छा, लगातार आरोप लगा रहे हैं आपकी आम आदमी पार्टी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, पर इस क्षेत्र से जब भी चुनाव, नहीं मैं आरोप नहीं बता रहा, मैं तो आपको सर्वे बता रहा हूँ, जब भी हम लोकल पब्लिक में घूमते हैं, 15 साल का रिकॉर्ड जो बता रहे हैं भाजपा का, जो समस्या यहाँ पर जनता को लगती है, उसके बाद भाजपा को चुन के ले आते हैं, क्या कारण है सर? भाजपा को चुन के ले आते हैं, कैंडिडेट के बिहाव पे चुन के ले आते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन कुछ समस्याएं जो आम आदमी की होती है वो रही जाती हैं, उनको थोड़ा सा वो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक उदाहरण देना चाहूँगा कि घर का बच्चा घर की समस्या को बहुत बेहतर समझता है। हमारे बड़े भाई प्रवीण जी खड़े हैं इलेक्शन में, वो एक इसी परिवार से हैं, सोनी विहार परिवार, सभापुर परिवार, जिनका बहुत योगदान रहा है हमारे साथ भी, परिवार के साथ भी। घर का बच्चा बेहतर समझेगा इस चीज़ को, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि घर के बच्चे को हर तरीके से कहा जा सकता है। मैं नहीं कहता किसी व्यक्ति रूप में खड़े हों, नहीं, एक घर का बच्चा खड़ा है, सभापुर गांव का बच्चा खड़ा है, मैं ये कहना चाहूँगा, और सोनिया विहार का एक बेटा खड़ा है। तो आप लोग, मेरा निवेदन है आप लोग कि इनको भारी वोटों से जिताकर, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सभी स्थानीय लोग हैं, सभी सोने बिहार या सभापुर में ही रहते हैं। हाँ, एक तो मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहता है कि आप हर चीज़ को ये कह देते हैं कि लड़ रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, हर कोई दौड़ में है। हाँ। दौड़ एक जना तो जीतता है। हाँ। चाहे वो झूठ की दौड़ जीते, चाहे वो सत्य की दौड़ जीते। हाँ। लेकिन खुशी हर आदमी को जब होती है जब फेयर दौड़ होकर और वो फेयर निकल जाए। मेरा यही निवेदन है आप सभी से। हाँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता। जिस तरीके से भाजपा या आम आदमी पार्टी हो गई, आप बता रहे हैं कि झूठे जुमले करते हैं, तो प्रवीण जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पार्टी के लिए आपसे अभी भी नहीं कहा, मैंने कहा कि घर का बच्चा को आप कुछ भी कह सकते हो, अपने बेटे को कुछ भी कह सकते हो, अपने भाई को कुछ भी समझा सकते हो, तो वो आपकी सुनवाई जल्दी होगी। इसलिए एक परिवार का सदस्य खड़ा है आपका, कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बेटे और अपने भाई को थोड़ा सा ध्यान दे। सरकारों की बातें हर कोई करता है, लेकिन घर की समस्या घर का बच्चा समाप्त कर सकता है। सभापुर गाँव का बच्चा है प्रवीण जी, सोनिया विहार का भाई है प्रवीण जी। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट से हटके भी भाई की तरफ देखा जाए और भारी वोटों से जिताया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।